यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव जाएंगे अयोध्या। अविनाश पांडे और अजय राय जा सकते हैं अयोध्या। राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन के योजना की घोषणा की। 15 जनवरी को कुछ लोगों के साथ जा सकते हैं अयोध्या। भगवान राम में हमारी आस्था पर कोई संदेह नहीं, अविनाश पांडे ने कहा है। अभी भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सस्पेंस बना हुआ है। फिर भी कांग्रेस के ये दो नेता जो है प्रदेश प्रभारी और जो अविनाश पांडे अजय राय जा सकते हैं अयोध्या और इन्होंने जाने की योजना की घोषणा की है। 15 जनवरी को ये अयोध्या जा सकते हैं। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव अयोध्या जा सकते हैं 15 जनवरी को। उन्होंने रामलला के दर्शन करने की बात कही है। कुछ लोगों के साथ जा सकते हैं अयोध्या। अविनाश पांडे ने कहा कि भगवान राम में हमारे आस्था पर कोई संदेह नहीं है। हालांकि बात करें कांग्रेस के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेताओं की, तो इनके जाने पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव अयोध्या जा सकते हैं और इसके जाने की योजना की घोषणा उन्होंने की है। अविनाश पांडे और अजय राय अयोध्या जा सकते हैं। रामलला के दर्शन की योजना की घोषणा की है उन्होंने। 15 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एवं महासचिव अयोध्या जाएंगे और 15 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं, इसकी घोषणा उन्होंने खुद की है। अविनाश पांडे और अजय राय 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो है अयोध्या जा सकते हैं 15 जनवरी को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रियम, अविनाश पांडे और अजय राय अयोध्या जा सकते हैं, क्या कुछ योजना बताई है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। अपने मंदिर में भगवान श्री राम जो है वो 22 जनवरी को प्रवेश करेंगे और उसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण जो है वो भेजा गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसके अलावा सोनिया गांधी हैं, उनको भेजा गया है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं के अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार है कि वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, दोनों ने ही ये घोषणा करी है कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। वहाँ पर पहुँचकर वो सरयू नदी में स्नान करेंगे और वहाँ पर वो विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अविनाश पांडे ने कहा है कि इससे पहले भी वो कई बार जो है वो जाते रहे हैं। भगवान श्री राम पूरे देश के आराध्य हैं और सभी देशवासियों को उनमें आस्था है, तो कहीं ना कहीं इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं बनता है कि कोई उनमें आस्था को लेकर कोई सवाल जो है वो उठाया, और इसलिए वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा कांग्रेस का एक इसके जरिए प्रयास होगा कि वो इस बात का संदेश देने का कोशिश करे कि कांग्रेस भी भगवान रामलला में आस्था रखती है। चूंकि जिस तरीके से बीजेपी लंबे समय से अगर आप देखें तो इस तरीके का आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर का विरोध करती रही है, कांग्रेस का राम भगवान श्री राम में जो है वो आस्था नहीं है, तो उस छवि को दूर करने का कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रयास जो है वो किया गया है। और इस बीच में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी, उनको निमंत्रण भेजा गया है, उनकी शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। चूंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अगर वो शामिल होते हैं तो उससे भी उनको नुकसान होगा और शामिल नहीं होते हैं
तो बीजेपी जो हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि उनका भगवान श्री राम में आस्था नहीं है, राम मंदिर में उनकी आस्था नहीं है, तो वो बात कहीं ना कहीं और पुख्ता हो जाएगी। तो ऐसे में इस बीजेपी की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कह सकते हैं कांग्रेस ने फिलहाल अभी ये कदम उठाया है, जिसमें अपने प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कह सकते हैं उन्होंने घोषणा करी है कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे, वहां पर पहुंचकर वो सरयू नदी में स्नान करेंगे और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने का पूरा प्रयास होगा कांग्रेस का कि वो भी भगवान श्री राम में आस्था रखती है। और इससे पहले जो बयान भी आया है अविनाश पांडे का, उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही कांग्रेस जो है भगवान श्री राम को मानती रही है, इससे पहले भी वो कई बार अयोध्या जो है वो जाते रहे हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना वो करते रहे हैं, तो ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है। तो इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहली बार अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे हैं सरयू नदी में और इसके अलावा वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही सभी आराध्यों का सम्मान करती रही है, सभी धर्मों का सम्मान करती रही है और कहीं ना कहीं वो अभी भी लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का ये रवैया जो है वो इसी तरीके का जारी रहेगा। जी, अगर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो इन दोनों के जाने पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन ये दोनों जो जाने की बात करें तो क्या पार्टी में भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसके जरिए एक दोहरी चाल चलने का कह सकते हैं कि प्रयास किया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, सोनिया गांधी इसमें शामिल हों कि नहीं हों, क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो कहेंगे कि ये वो लोग हैं अब चुनाव के वक्त पर आकर जो है वो भगवान श्री राम के पास पहुँचे हैं जब पूरा देश राममय है, बीजेपी लंबे समय से इसको लेकर संघर्ष करती रही है और कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है, और अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो भी बीजेपी को इसका ही फायदा मिलेगा, जो बीजेपी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि भगवान श्री राम में कांग्रेस की आस्था नहीं है, तो वो बात और पुख्ता हो जाएगी। तो कह सकते हैं उसी के चलते ये पूरा जो कह सकते हैं 15 तारीख का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है अजय राय का और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित भी है। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ये उनका दौरा राजनीति से प्रेरित है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ये उनकी एक आस्था का विषय है और वो हमेशा से अयोध्या जाते रहे हैं और ये उनका एक सामान्य दौरे के तौर पर है, जिस तरीके से वो हमेशा जाते रहे हैं वहाँ पर पूजा अर्चना करते रहे, तो इस बार भी वो जाएंगे और अपना विधि विधान से वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जी, खबर ये भी है कि कुछ लोगों के साथ वो जा सकते हैं, तो क्या ये कुछ लोग जो है वो पार्टी के ही सदस्य हो सकते हैं? देखिए, जो कुछ लोगों की बात कही गई है वो पार्टी कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के कई अन्य नेता हो सकते हैं, प्रदेश स्तर के नेता हो सकते हैं, जो इन दोनों ही नेताओं के साथ में वहाँ पर पहुँचेंगे। अयोध्या के लोकल लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो वहाँ पर उनके साथ में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर के अन्य नेता भी इन दोनों ही नेताओं के साथ में वहाँ पर 15 तारीख को यानी मकर संक्रांति के अवसर पर पहुँच सकते हैं।